तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह माला यहाँ पे तृप्ति के माथे पे डाल रही है पानी। ये देखिए, लोटा में पूरा पानी भर के लाई है और पानी डाल रही है और तृप्ति बेटा रो रही है। अच्छा, मत रो ना, मत रो, मत रो, मत रो, मत रो, मत रो। ये लगा दीजिए आप। तो अभी मुझे भी लगाना पड़ेगा दोनों, ये इसी हाथ से मैं भी लगा देता। देखो अभी बेटा, इधर पकड़, इधर आओ ना तुम। उसको पसंद नहीं है। टमाटर उधर लो, इधर लोटा लो। तो मैं भी लगा देता हूँ। तो गाइज, ये गांव में जो है ना, आज त्योहार है जुड़ शीतल, तो इसके लिए करना पड़ता है। तो गाइज, तृप्ति को माथे पे इसका पानी डाल दिया। इससे ऐसा माना जाता है कि बच्चे जो है ना, पूरी लाइफ छांव में रहता है, इसलिए ये त्यौहार किया जाता है। पानी डाला जाता है, जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो पानी डालते हैं। तो उठ चुकी है तृप्ति और चले गए। तो तृप्ति रोते रोते चली गई दादी के पास, उसको पानी जो डाला ना मम्मी ने, इसलिए गुस्सा हुई इसकी मम्मी से। क्योंकि गांव देहात में गाय त्योहार ही ऐसा है कि हर जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको डालना पड़ता है पानी। और यहाँ पे देखिए, आज हमारे टोला मोहल्ला के कितने सारे बच्चे आए हुए हैं बड़े बुजुर्ग से पानी डलवाने के लिए। तो माला भी डालेगी पानी, जाओ ना तब ना। क्योंकि ऐसा माना था कि पानी मतलब एक तरीके से डालने से ना बड़े का आशीर्वाद रहता है सर पे। तो ये देखिएगा आज कुछ इस तरीके से, या बेसी अगर डाले छो तब छहर में रह भी जिंदगी भर। यार है ना, यार अमलेश का बेटा। चलो अब देखिए, लो इधर। अब जो है गाइज, माला सबको डालेगी। इसके पैर में पहले पानी डालते हैं बच्चे लोग और आशीर्वाद देना पड़ता है। डाल दो, सबको आशीर्वाद दे दो। अरे सर, डाल सो सबला पानी डाल सो ना, अरे डाल सो ना, फिर तुम थीस मेरे ऊपर सर, ठीक सा। ले ले, हाँ हाँ। या अनिल के बेटी से, या जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, तू रह गई या। तो देखिए एक और बच्ची आ चुकी है। ऐसे करके गाइस देखिए, ऐसे जो है ना सबको डालता। ले बोले पैन भर लिए जाकर, तो लोटा है, तो लोटा छियो जो पैन भर ले जो। तो देखिए, हमारे गांव का कुछ ऐसा रीति रिवाज है, इसे बोला जाता है कि बच्चे के सर पे पानी पड़े डालने से। तो सूट हो गया, नहीं तो नहीं सूट होता। इससे पहले भी आया हुआ था, लेकिन हम लोग आंगन में थे, मम्मी से सारा बच्चे लोग डलवा के गया पानी। और तृप्ति अभी तक नाराज है, अभी भी नाराज है क्या? देखो कैसे, देखे कैसे कैसे डाला पानी, तुम भी डालेगी तृप्ति पापा को डालेगी। अच्छा चलो चलो चलो, तृप्ति बेटा अभी, अच्छा गोदी में आएगी, गोदी में आएगी, चलो ना गोदी में। अच्छा पापा फिर, पापा फिर, पापा ले दिला है ना, पापा गिफ्ट दिला बेटा को, गिफ्ट देगा पापा को, गिफ्ट देगा तृप्ति, गिफ्ट देगा। बोलो हाय, बोलो हाय, बोलो हाय, बोलो हाय। तो कितने बच्चा आते पांडल में आती है ना, अब वो कहाँ जाते फूफू दादी को, चलो तुम्हें चलो फूफू दादी को, तो कितने बच्चा जाते फूफू दादी को पांडल में। अब जा रही हमारी फुआ के यहाँ। चले चल चले चल 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 चल, हेलो बड़की मैं आगे कता छो रही आई सबका। तो ये देखे फ्रेंड्स, एक बार जा चुकी सभी बच्चे और ये जो है दूसरा बच्चा पार्टी है, फिर से आई है आशीर्वाद लेने के लिए माला से। अच्छा से आशीर्वाद दो सबको, इतना सारा बच्चा आया हुआ है। तो
तो फ्रेंड्स, बच्चे लोग को जाने के बाद उसकी मम्मी लोग भी आई हुई थी, जो कि हमारे गांव का परंपरा है, सबसे मिलना, सबसे आशीर्वाद लेना। तो उसके बाद माला नहा धो के यहाँ पे घर में कर रही है आरती पूजा। आरती पूजा करने के बाद आगे जो भी हमारे घर में त्यौहार है, उस त्यौहार के हम लोग किस तरीके से मना रहे हैं, आगे आपको वीडियो में कम्प्लीट सारा कुछ हमने आपके साथ शेयर किया है। तो प्लीज लास्ट समय तक बने रहिएगा। और माला अभी जस्ट आ चुकी है हमारे द्वार का जो रूम है वहाँ पे, ये आरती पूजा करें। तो प्लीज कंटिन्यू बने रहिएगा लास्ट समय तक, आप वीडियो को जरूर देखें। तो गाइस आइए आपको दिखाते हैं कि आज माला जो है घर में क्या सब बना रही है। जैसा कि आपको हमने बोला कि आज हमारे गाँव में सिरवा का त्यौहार है, जिसे शीतल पवनी भी बोलते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्या सब तैयारी कर रही है। ये थाली में सारा इतना आज सब्जी बनने वाला है, 5 प्रकार का सब्जी बनने वाला है फ्रेंड्स। ना ये सारा कुछ, और इसमें जो भी सब्जी है सारा कुछ सब्जी बनाना है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बोला है कि हमारा जो है फ्रेंड सबको भी हमने इनवाइट किया है खाने के लिए, तो इसके लिए पूरी तैयारी करना पड़ेगा। वहाँ पे भात बन रहा है चूल्हा के ऊपर और परवल कुछ छिला जा रहा है, और परवल जो देख पा रहे गाइस कल हमने खरीदा बहुत महंगा, 60 रुपए किलो के हिसाब से परवल मिला है। तो इतना कुछ आज हमारे घर में आइटम बनने वाला है सिरवा त्योहार के अवसर पे। तो आज बहुत ही इसको काम है। और आप सभी के साथ जो है ना, हम जो है ना थोड़ा 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 करके सभी कुछ शेयर कर रहे हैं ना। और आप लोग कैसे मना रहे हैं, जो बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पूर्वांचल से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग तो गांव में इस तरीके से सिरवा पावन मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, जिसे पावन बोला जाता है हम लोग के गाँव में। आप लोग कैसे मना रहे हैं कॉमेंट करके जरूर बताइएगा गाइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए त्योहार की जो है धूमधाम से एकदम तैयारी हो रही है। माला बैठ चुकी है बड़ी छानने के लिए, जो आज घर में कढ़ी बड़ी बनने वाला है। और ये सेंगा भी मम्मी ने बना दी है सहीजन, इसका भी सब्जी बनेगा, अपने खेतों का है, अपने बारी का है। और ये झींगा, इसका आज बनने वाला है पकौड़ी। तो देखिए यहाँ पे बड़ी पक रहा है, और धुब्बी का आज इतनी गर्मी है, धीरे धीरे धुब्बी दरार रही है। तो आज माला को पूरा खाना बनाते बनाते ना पूरा धूप निकल जाएगा, और तृप्ति भी आ चुकी है, धूप निकल जाएगा, पसीना निकल जाएगा। वही तो, धूप की वजह से पसीना निकल जाएगा। इतना तोड़ी इसने रख दिया है, बैगन भी दो रख दी, सब क्यों नहीं बना लीजिए इसलिए क्या। तो कुछ इस तरीके से आज हमारे घर में हो रही है सिरवा पवनी की तैयारी गाइस। यहाँ पे देखिए इसको बड़ी को निकाल के डाला जा रहा है गर्म पानी में, ताकि वो अच्छे तरीके से रसगुल्ला की तरह फूल जाए एकदम, खाने में मुंह में पूरा रस भर जाए। देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स अभी जो है तैयारी काफी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए पकौड़ी और ये जो है झींगा का बड़ी बन चुका है, साथ में वहाँ पे भी कढ़ी पक रही है, तो जिसके लिए हमने जो दही लाया था, तो ये दही देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है। और इसमें जो दोस्तों खास बात है, आज आम का होने वाला है ब्याह शादी, आम का ब्याह और शादी के बिना ये त्योहार ये आम का ब्याह और शादी के बिना ये त्योहार जो है ना अधूरी है, इसलिए आम का ब्याह आज होता है इस त्योहार में। और ये रहा दही, क्योंकि और आम का जो शादी होने वाला है उसी के शादी के पक्ष में हम लोग इतना भोज का तैयारी करें, इतना प्रकार का खाना बन रहे हैं। इसी के साथ साथ एक त्योहार भी है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला कि शीतल क्या जी जुड़ शीतल का त्योहार है, तो उसी में आम का भी ब्याह होता है, शादी होता है। तो आम हम काट के लिए तोड़ के लेके आ गए अपने पैर से, किधर रखा जी आम को, धोने के लेके चलेगी क्या मम्मी जी, ये देखिए। तो आम का शादी जो होगा तो कुछ इस तरीके से आम को दो दो फाका कर दिया है, तो उसका शादी कैसे होता है आप बने रहे वीडियो के लास्ट में, आपको दिखाऊंगा कि आम का शादी कैसे होता है। और इसका कन्यादान कौन करता है, इसके लिए भोज आज बहुत ही धूमधाम से होने वाला है आम के शादी का गाइस। बोलो ना जी, आम के शादी में बरात कौन जाएगा, तुम जाएगी हम जाएंगे, आप जाइएगा और हम जो है कन्यादान करेगी, कन्या होकर कन्यादान करेगी। और इसी बीच गाइज हम जा रहे हैं अपने जो हमारा पूजा रूम है उसकी, उसको थोड़ा पोछा लगाने की ऑर्डर दे दी है हमारी प्यारी प्यारी मैडम ने, तो हम जा रहे हैं अपने घर को पोछा मारने के लिए। तो पोछा का जो भी सामग्री है देखिए यहाँ पे हम लेके आ गए हैं, और इसमें पानी डाल के मार लेता हूँ थोड़ा पोछा। तो कुछ इस तरीके से गाइज हम लोग जो है ना अपने इसमें उसको क्या बोलते हैं लव मैरिज में, अपने लाइफ को इस तरीके से मिलजुल के काम करते हैं। देखिए तो गाइज यहाँ खाना पकाते पकाते जो है ना धूप काफी आने लगा, कढ़ी तो बन के रेडी हो चुका, तो इसके लिए माला आ चुकी है अब रूम के अंदर, जो हमारा किचन रूम है यहाँ पे गैस चूल्हा के ऊपर अभी बैठ चुके खाना बनाने के लिए। और इतना सामान अभी भी गाइज बनाना बाकी है, वहां पे देख पा रहे हैं
काफी कुछ अभी आइटम और भी बनाना बाकी है, और हालत तो देखे ना पसीना से पूरा एकदम तर बतर हो गई है। वैसे नहीं होता है आम का शादी करने के लिए। आम का शादी करने में हालत खराब हो चुका है घर में का, और इसी में पर्व तो है ही, तो उसका भी मजा लेंगे हम लोग, खाना का मजा लेंगे। तो वो परवल का वहाँ पे फ्राई हो रहा है, परवल है, भिंडी है, यहाँ पे देख पा रहे आप गाइस। और दूसरे कढ़ाई में जो हमारा सहजन था, सेंगा था, उसकी सब्जी बन चुकी है। तो गाइस काफी मेहनत करने के बाद फाइनली माला का सारा कुछ पका के हो चुका है, और क्या सब आइटम बना है आपको भी पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। और अभी जो है ये टिफिन पैक कर रही है अपने मम्मी पापा के पास जाने के लिए, क्योंकि सुबह में ही फोन करके बोल दिया गया था कि मम्मी आज का जो त्योहार का खाना है हम अपने तरफ से आपके लिए लेके आएंगे। तो हमारे दोस्त लोग भी बोले थे 2 बजे आने के लिए, बट गाइस किसी कारणवश नहीं आ पाया, क्योंकि सबके घर में आज त्योहार है तो सब अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो शाम का समय सब बोले हैं आने के लिए। शाम के समय भी जो है ना हस्बैंड जी भी जाने वाले हैं दूसरे के घर, तो शाम के समय हम भी जाने वाले दोस्त के घर पे। तो यहाँ पे देखिए इसमें सारा कुछ, इतना सब्जी जो है ना गाइस आज बनाया गया है, उसमें ये देखिए मोटा सारा कुछ इसमें जो भी आप देख पा रहे हैं गाइस, ये सब सब्जी ब्लैक कैमरा से दिखा दीजिए। ये देखिए ये हो गया आलू का फ्राई, परवल का फ्राई, भिंडी का फ्राई, यहाँ पे झींगा का, ये बैगन का, इस तरीके से ये मिर्ची, यहाँ पे चावल इतना सारा बना है, और ये कढ़ी उसमें काला वाला पन्नी में पापड़ है। तो हम लोग अभी पैक कर रहे हैं, मम्मी पापा से जा रहे हैं इनका खाना पहुंचाने के लिए गाइज। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं माला के मम्मी पापा के पास जाने के लिए, और उससे पहले यहाँ पे कबूतर का जो है ना खोप, इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि शाम का समय हो गया है और बिजी बहुत परेशान करते रहता है, इसलिए कबूतर का खोप बंद कर रही है। तो चलिए आगे आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखिए यहाँ पे आए हैं और मम्मी पापा के गए हैं बुलाने के लिए, चाय रख रही थी मेरे लिए तो मैं बोली चाय नहीं पीऊंगी। और यहाँ पे जो है ना हस्बैंड जी देखिए पापा को जो मोबाइल देंगे तो वही सिम चेंज करके देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो एयरटेल का टावर का जो है ना टावर ही नहीं मिल रहा है, इसलिए परेशान हो गए हैं। वहाँ पे तो टावर था, यहाँ पे लेके आए तो टावर जो है ना नहीं आ रहा है, रेंज ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे गाइस सिर्फ जियो का टावर मिल रहा है, जियो का, सैमसंग के मोबाइल छोटा वाला मोबाइल उसमें जियो का सिम बैठता है नहीं, तो देखता हूँ नहीं होगा तो फिर खुश हो जाएगा। और पापा मम्मी खुश थे कि मोबाइल मिलेगा बात करने के लिए मुझसे, पर हो ही नहीं रहा है तो क्या करें। तभी से आए थे तो वही चीज कर रहे कि यहाँ पे टावर क्यों नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जो भी खाना मैंने लेके आई तो सब कुछ को निकाल के थाली में मैं रख दी हूँ। और मम्मी बहुत दूर दूर जो है ना चले गए हैं पापा को खोजने, लेकिन पापा का तो अभी तक कोई अता पता नहीं है गाइस। और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, इसके वजह से वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग जैसे ही माला के मम्मी पापा से मिल के आए तो दोस्त लोग भी आ चुके थे खाना खाने के लिए, तो उसी के लिए यहाँ पे माला बना रही है थाली में परोसा। अब उन लोगों को खाने के बाद हम लोग भी खाना खाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के लास्ट समय तक आप बने रहे, वीडियो को पूरा देखिए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा।